अगर हम मेजर डैम की बात करें तो उसका जो हाइट होगी वो ग्रेटर देन 150 m होगा, 1 m। सेकेंड बाय क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस। अगर हम क्लासिफिकेशन डैम की पर्पस के अकॉर्डिंग, तो ये पहला आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, जहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इरिगेशन डैम, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। वाटर सप्लाई डैम फॉर सिटी फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रिक्रिएशन, नेविगेशन थ्रू कैनाल्स, इंडस्ट्रियल यूज। फ्लड कंट्रोल, हैबिटुअल डैम फॉर फिशेज एंड वाइल्ड लाइफ, एफिलेंट कंटेनिंग डैम फ्रॉम इंडस्ट्रीज, माइन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मल्टीपर्पज डैम। ठीक है, ये इस पर्पज के लिए हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जावेद, नेक्स्ट आ जाओ। जो आपकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि कौन कौन से मटेरियल हम कंस्ट्रक्शन करके हम डैम बनाते हैं। पहला आपका मशीनरी डैम, जो मशीनरी से बनाता है। कंक्रीट डैम, कंक्रीट से बनाता है। टिम्बर, टिम्बर डैम भी आपने देखा होगा। स्टील डैम, अर्थ डैम, रॉक फिल डैम, कंपोजिट डैम। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एक्शन। ग्रेविटी डैम, आर्च डैम, सैडल डैम, चेक डैम, डाइवर्जन डैम, ओवरफ्लो डैम, कोफर डैम। ये आपके आपके कुछ डैम्स हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन। ठीक है, ये आपके ग्रेविटी डैम है, टिम्बर डैम है, सैन लुइस डैम नियर लॉस बॉन्स कैलिफोर्निया में, एम्बैंकमेंट डैम है, आपका स्टील डैम, ये स्टील का है। ठीक है, ये कोफर डैम है, जिसको भी इस शेप में होती है। पावर जनरेशन प्लांट, ये आपका स्किल भी है। ओवर आर्च डैम है ये आपका। अथन डैम ये रहा आपका। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जो हम देख रहे हैं आसपास में, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट यूएस इंटरस्ट हाईवे, रन फ्रॉम कैलिफोर्निया टू न्यू जर्सी। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ रोड, एयरपोर्ट, बिल्डिंग, ब्रिज, पार्क एंड अदर अमेनिटीज फॉर द कंफर्ट ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड के कंफर्ट के लिए हम बनाते हैं, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि आप, रोड हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ब्रिज हो गया, बिल्डिंग हो गया, पार्क हो गया। ठीक है, एलिमेंट दैट अलाउ फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड गुड्स एंड सर्विस विदाउट देमसेल्फ बीइंग पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका जो रोड अलग करता है ट्रांसपोर्टेशन वॉइस कट रही है, मटेरियल एंड फिनिश सेल्स। हाँ जी बच्चे, हेलो, वॉइस कट रही है। सुन पा रहे हो? अब देखो आप आ रही है। हाँ, नेक्स्ट है द वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रा एंड स्ट्रक्चर। द टर्म केम प्रोमिनेंट इन द यूनाइटेड स्टेट इन द 1980s फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ अमेरिका इन रूनीस। ठीक है, विच इनिशिएट डिस्कशन ऑफ द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक वर्क। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जो हमारे मैनकाइंड को कंफर्ट पहुंचाता है। कौन कौन से, जैसे आपका ब्रिज, रेल हो गया, रोड हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, फ्लाईओवर हो गया, ये सब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डील विद, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डील करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से आते हैं आपके, आते हैं रोड नेटवर्क, रेलवे, पोर्ट्स एंड हर्ब्स। ठीक है, पोर्ट एंड हर्ब पता ना, जहाँ पे हमारी जो हमारी ये नहर कंडे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में है। एयर ट्रेवल एंड एयरपोर्ट्स। नेक्स्ट आपका टेलीविजन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क में आपका लैंडलाइन कनेक्शन, मोबाइल फोन कनेक्शन आ गया। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, रिडक्शन इन एनर्जी लॉस हो गया, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड, बायोगैस प्लांट, ये आपका एनर्जी सेक्टर आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिर
नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में आपका हो गया लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन्वेस्ट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपका सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, लाइफलाइन, ये कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी, जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी क्या रही है, एडिशनल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ अबाउट 70,000 मेगावाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली एंड लुधियाना एंड कोलकाता, कैपेसिटी एडिशन ऑफ 485 मिलियन एमटी इन मेजर पोर्ट्स, 340 मिलियन एमटी इन माइनर पोर्ट्स, मॉडर्नाइजेशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ 21 रेलवे स्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ 16 मिलियन हेक्टेयर थ्रू मेजर मीडियम एंड माइनर इरीगेशन वर्क, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंड रीडेवलपमेंट ऑफ 4 मेट्रो एंड 35 नॉन मेट्रो एयरपोर्ट, 6 लैंडिंग 65 किलोमीटर, 6,005 किलोमीटर ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड सिलेक्टेड नेशनल हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1,65,244 किलोमीटर ऑफ न्यू रूरल रोड एंड रिन्यूइंग एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग 1,92,464 किलोमीटर कवरिंग एंड 78,304 रूरल हैबिटेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एट 50% पर एनुअल, कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू बी बिगेस्ट बेनिफिशियर, सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, 11% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड 50% ऑफ द ग्रॉस फिक्स कैपिटल अमाउंट, 65% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये मतलब कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो ये सब जो परसेंटेज लिखी है प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग लिखी है कि इतना इतना कंट्रीब्यूट करता है, जैसे हमारे जीडीपी में कंस्ट्रक्शन क्या करता है 11% आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 50% आपका जीएफसीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, 65% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट आपके कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होती है, ठीक है। बाकी इसमें लैंड्स के बारे में बताया कि कितनी लैंड्स है, मेट्रो के बारे में बताया कि अपकमिंग हमारे और भी देख लो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ मतलब क्यों ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल बिल होना चाहिए, पॉलिटिकल बिल है, फंडिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल एजेंसी सच एज एडीबी, ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, जापान बैंक एक्सेट्रा, क्योंकि फंडिंग वगैरह मिल रही है, ठीक है। इंक्रीज प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है, जिससे अभी सुनने में आ रहा है कि हमारे रेल के कई सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमारे एयरपोर्ट है जो केरला साइड है वहां पर भी हमारे जो एयरपोर्ट है वो प्राइवेट है, प्राइवेट मतलब पार्टीज के पास है। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन मॉडल ऑफ फंडिंग, ठीक है, इनोवेशन मॉडल और भी नए नए आ रहे मॉडल, जैसे कि सीजन पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, आप देखो हम पेट्रोल और डीजल को रिड्यूस कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल और विद दी हेल्प ऑफ सीएनजी व्हीकल, स्पेशल टैक्स ऑन एयर ट्रेवल, ठीक है, लेविंग टोनेज टैक्स ऑन शिप, इंफ्रास्ट्रक्चर टैक्स इन बेंगलोर, बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट, ये बीओटी प्रोजेक्ट है, आपके कुछ पुराने वैल्यूज है आप गो थ्रू कर लेना जो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इम्पैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कंट्री पे क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। आप सिंपल सी बात देखो, अगर किसी भी अगर कंट्री को सक्सेसफुल बनना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होना चाहिए, उसके रोड नेटवर्क अच्छे होना चाहिए, वहाँ पे एयरलाइन वगैरह जो भी हमारे प्रोवाइड करवाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो सब हमारे अच्छे होना चाहिए, चाहे रोड की बात करें, चाहे वाटर वे की बात करिए, ठीक है, चाहे बिल्डिंग्स की बात करिए, ठीक है। इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है फूड प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राफ्ट फैमिन फ्लड, ठीक है, अगर आप प्रॉपर वगैरह देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डैम वगैरह बना रहे हो, डैम भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर प्रॉपर आप डैम वगैरह बना कर रखे हो तो क्या होगा आपका जो ड्राफ्ट वगैरह जो टाइम आता है गर्मियों के दिनों में तो
आपकी फसल भी अच्छी जाएगी, ठीक है, आपको फसल के लिए जो पानी वगैरह जो डैम है जो कलेक्टेड पानी है वहां से यूज कर सकते हो, फैमिन फ्लड्स वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, हेल्थ एंड कंफर्टेबल हाउसिंग फैसिलिटी, आप मतलब हेल्दी एंड कंफर्टेबल हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, सेफ एंड साइंटिफिक बेस्ड डिस्पोजल जो हमारे वेस्टेज है, ठीक है, अगर आप मान लो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर अच्छी तरह से अच्छे लोकेशन पे है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है, तो क्या होगा आपका वेस्ट का मैनेजमेंट भी सही होगा, जो आप वेस्ट प्रोड्यूस करोगे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको आप रिन्यूअल में सोर्स में चेंज करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट आपका सेफ सॉरी इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है, अभी आप ऊपर देखा टेलीफोनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा है तो आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आप पीछे बैक चले जाओ, आप अपने मदर फादर के एज में चले जाओ, वहाँ देखो उस टाइम फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है, एटलीस्ट ऑनलाइन सोर्स नहीं हुआ करते थे, है ना, अभी देखो कितना डेवलप हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही हुआ ये सब। नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर हाइड्रल थर्मल सोलर और विंड, ठीक है, ये सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियर हाइड्रल थर्मल सोलर। नेक्स्ट है इम्प्रूव वेल्थ प्रोस्पेरिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी जो इम्प्रूव होती है लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होती है, ठीक है, आप वेल्दी भी होते हैं, प्रोस्पेरिटी खुशी भी रहती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होती है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ नेशन अगर बात की जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ओवरऑल ग्रोथ ऑफ नेशन होगा, ठीक है, एक किसी भी नेशन को ग्रोथ के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहमियत रखते हैं, उनके बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन के डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आपका इंपैक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है, इसके इंपैक्ट की आप बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक, लार्ज स्केल बजट अलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लीड्स टू एग्रीकल्चर एंड स्टेट डेवलपमेंट, सेकंड है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एराडिकेशन पॉवर्टी एंड एनहांस पर कैपिटा अर्बन ग्रोथ ओनली कैन लीड टू पॉपुलेशन ड्रिफ्ट फ्रॉम रूरल सेक्शन लीडिंग टू एक्सप्लोजन इन पॉपुलेशन इन सिटीज एंड इनएडिक्वेट डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड इम्प्रॉपर केयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, use of infrastructure facility only by upper class lead to imbalance, ठीक है, इसके कुछ impact और भी हैं, मतलब negative भी कह लो, जैसे कि अगर infrastructure है तो mostly क्या होता है जो high level के person हैं, ठीक है, जो ज़्यादा rich होते हैं वो ज़्यादा easily afford करते हैं as compared to जो poor होते हैं, आज के time में देख लो जो जिनके पास phone नहीं होगा वो अभी online मतलब कोई platform online चीज़ नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि online हो रहा है but अभी भी कुछ lack है हमारे कंट्री में, ठीक है, कुछ सेक्टर ऐसे है जहाँ पे नेटवर्क इशू है या फिर वही और कई तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है, ये इनका सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ता है। अब आता है आपका क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड रेलवे पोर्ट एंड हब्स एंड एयरपोर्ट, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिविल इंजीनियर का बहुत रोल है, ठीक है, क्योंकि आप किसी तरह की स्ट्रक्चर बनाओ तो आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कोई मशीनरी फिट करो या फिर एयरपोर्ट बनाओ, ठीक है, वहाँ पे सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, तो सिविल इंजीनियर जैसे कि कंस्ट्रक्शन रोड रेलवे पोर्ट हो गया हार्बर्स हो गया एंड एयरपोर्ट हो गया, construction of and proper utilization of water resource, construction of housing commercial and industrial complex, maintenance of facilities, jo facility aapko maintain karne ke liye civil engineering ki zarurat padti hai, rebuilding rehabilitation and repair, to civil engineer ki jo infrastructure ban chuke hain unko rebuilding karne ke liye rehabilitation ke liye reporting ke liye रिपेयर के लिए सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपके यूजेस होते हैं। रोड डेवलपमेंट, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रेटरल, गोल्डन क्वाड्रेटरल में मतलब आपका 6000 किलोमीटर का रोड था जो न्यू दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई के जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये आपका 7300 किलोमीटर का है जो श्रीनगर कन्याकुमारी
सिलचर पोरबंदर तक है, ठीक है, पोर्ट कनेक्टिविटी एंड अदर प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना उसके तहत 10,000 किलोमीटर रोड बना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसके कनेक्टिविटी टू रूरल रिहैबिलिटेशन, रूरल को कनेक्ट करने के लिए थे, इसके तहत लाख रोड बना, ठीक है, किलोमीटर का। ये कुछ वैल्यूज है, ये रोड प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन के कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे, ठीक है, आपके स्टेट हाईवे, आपके पोर्ट हैं, पोर्ट डेवलपमेंट, जो पोर्ट डेवलप हुए हैं अंडमान निकोबार में, हमारा भी पोर्ट है, ये मॉडल फॉर प्राइवेटाइजेशन है, ये हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स रेडी टू टेक ऑफ, अब सर्ज इन एयर ट्रैफिक, अपग्रेडेशन ऑफ मेट्रो सिटी एयरपोर्ट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके ब्रिजेस हैं, चलो आपका पहला यूनिट खत्म हो गया। जावेद, जावेद बच्चे सुन पा रहे हो? ठीक है, मैं असाइनमेंट को क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आपको यहाँ कोई 6 क्वेश्चन दूंगा मैं असाइनमेंट के, ठीक है, इनमें से सबमिट कब करने हैं? लगभग 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं है अभी। हाँ जी, अब आ रही है जावेद? जी सर, जावेद सुन पा रहे हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आपको ये 10 या 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं आपने, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप में ही मैसेज कर दूंगा, ठीक है, आज या कल कर दूंगा, आप बना के मुझे मेल करना, ठीक है, याद रखना मेल करना है, व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप कई बार डिलीट हो जाता है, मेल पे आपके पास भी रिकॉर्ड रह जाएगा कि हाँ मैंने असाइनमेंट सेंड की है, और हमारे पास भी रह जाएगा कि हम मेरे पास रिसीव हुआ है, ठीक है। आपका जो पहला यूनिट है और हो चुका है, ठीक है जावेद, और बच्चे थोड़ी सी डिटेल देना आप अपनी, ठीक है, मैं नोट कर रहा हूँ। जी सर, हेलो, हाँ जी, जावेद सुन पा रहे हो? जी सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जावेद सुन पा रहे हो? जी सर, जी सर, हाँ जी, जावेद आपके साथ 2 बच्चे और थे, क्या नाम है, लास्ट टाइम पे मैंने पूछा था आपसे, जावेद, वो जावेद दूसरा जावेद सीएससी का, मुंजीर कुछ है था आपके आपके साथ ही था, जुबैर और एक और था, एक का तो चलो नंबर मिल गया जिसका दिया था, दूसरे का नंबर होगा आपके पास? नहीं सर, उसका नहीं है, जुबैर का था, वो मैंने सेंड कर दिया।
उससे बात हो गया था, एक मिनट लाइन पे रहना ठीक है, मैं आपकी कुछ डिटेल देख रहा हूँ, मेल की थी सबने। ओके सर।